झारखंड में एक बड़ी उथल फुथल के साथ खबरें चल रही हैं कि संजय मेहता जीबीकेएसएस से इस्तीफा दे चुके हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। और आपको बता दें, जयराम महतो के बाद सबसे बड़ा कोई चेहरा जीबीकेएसएस में जो जेल के में है वो संजय मेहता का है। अगर वो सच में अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो अगर पार्टी का क्या होगा वो आप सभी जानते हैं, पार्टी पूरी तरह से बिखर के रह जाएगी। बहुत बड़ी बात है। और संजय मेहता बहुत सारे न्यूज चैनल में आके लाइव उन्होंने बोला कि हमें हमारी प्रतिष्ठा पे आ चुकी है, इसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी संजय मेहता हमारे साथ है, उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया, भैया ये सारे न्यूज चल रही है कि आप इस्तीफा जेबी के एसएसए जेल के हमसे दे रहे हैं, क्या ये सच्चे है? देखिए, मैंने अपना इस्तीफा अपने अध्यक्ष को सौंपा है और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब बात स्वाभिमान की होती है, बात आत्मसम्मान की होती है और बात उन उद्देश्यों की होती है जिन उद्देश्यों के लिए हम लोग सड़क पर निकले थे, जिन संकल्पों के साथ हम लोग सड़क पर निकले थे, जिन उद्देश्यों और संकल्पों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सड़क पर लाठियाँ खाई, FIR लिखाया, तमाम झारखंड के लोगों को दिन रात एक करके जगाया, रात रात भर जागे, अगर वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो अंततः निर्णय लेना पड़ता है। मेरा उत्तरदायित्व तो है ना अपने मिट्टी के प्रति, अपने झारखंड के प्रति, अपने झारखंडी माटी के प्रति। आज की तारीख में संगठन के अंदर लगातार ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, मेरे घर के सामने कार्यक्रम हो रहा है, मुझे नहीं बुलाया जा रहा, नहीं बुलाना अलग बात है लेकिन किसी को इंटेंशनली ये कहना है कि उनको नहीं बुलाना है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, नहीं बुलाया जा रहा। इवन मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है। बार बार मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, सब कुछ हमारे कारण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सामूहिक संघर्ष से कुछ चीज़ों को हम लोगों ने अगर हासिल किया है तो आप बार बार किसी को इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकते। वो कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन पर जब आफत आई, उनका नॉमिनेशन फंसा, उनको पुलिस ने परेशान किया, उस वक्त हम खड़े थे, मेरे चुनाव प्रचार में कोई नहीं आया, मैं उनके चुनाव प्रचार में गया, मैं देवेंद्र के चुनाव प्रचार में गया, पूरे JBKSS की केंद्रीय कमेटी से एक व्यक्ति मेरे चुनाव प्रचार करने में नहीं आया। वो कहते हैं कुछ नहीं किया। हजारीबाग में पहली सभा जो विशाल सभा हुई थी गांधी मैदान में, वो संजय मेहता ने अपने साथियों से मिल करके कराया था, चौपारण जैसे जगह में जहाँ पर JBKSS का कोई प्रेजेंस नहीं था वहाँ पर हमने सभा कराई, आपके हवाई अड्डा के मैदान में हजारीबाग में हमने सभा कराई। फिर लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया संगठन के लिए, दिन रात एक किया हम लोगों ने, ढाई साल से यही कर रहे हैं। तो ऐसे में दुख तो होता है, मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं। संजय जी, एक ये सवाल है कि जिस समय से आपने इस्तीफा का जो लेटर निकाला है, फेसबुक पे आपका चल रहा है, बहुत जगह वायरल हो रही है, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, न्यूज़ वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं संगठन के लोग तो आपसे बहुत संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या आपके दोस्त जो आपके साथ काम करते थे, जो आपके साथ रहे राजनीति में, क्या किस तरह से प्रतिक्रिया? संगठन के लोगों ने संपर्क किया है, कुछ लोग घर भी पहुँचे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ही संगठन के साथी को बार बार अपमानित कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, आप लगातार किसी भी तरीके से उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति क्या करेगा, ये तो एक व्यक्तिगत मसला है, लेकिन उन परिस्थितियों में जब संगठन के सभी नेताओं को लेकर के आप ये बयान देते हैं, देवेंद्र जी को लेकर के कहते हैं कि उनकी क्या पहचान थी हमारे कारण हुई, मनोज जी को लेकर कहते हैं उनकी क्या पहचान थी हमारे कारण उनकी पहचान हुई, हमारे बारे में ये कहते हैं, कोई भी संगठन का मुखिया अपने ही संगठन के नेताओं को लेकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह का बयान नहीं देता। दूसरी बात, जिन उद्देश्यों और संकल्पों के साथ हम लोग निकले थे कि झारखंड बदलेंगे, पूरे संगठन में मैं चाहता था कि एक विकेंद्रीकरण हो, एक इंटरनल डेमोक्रेसी हो और लीडरशिप का स्किल निकले। आप मुझे बताइए कि हमारे संगठन के अंदर देवेंद्र नाथ महतो जी, मनोज यादव जी, संजय मेहता और जो तमाम हमारे साथी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्रेशर थे, जो पूर्व में पॉलिटिक्स में नहीं थे, जो इन्होंने ज्वाइन किया, जिन साथियों ने, मनोज जी पुरुष राजनीति में थे, देवेंद्र जी पुरुष राजनीति में थे, संजय मेहता पुरुष राजनीति में थे, कोई नया चेहरा नहीं निकल पा रहा है सर, हमको उनको प्लेटफॉर्म देना होगा, आगे बढ़ाना होगा। हमारे पास दलित समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, हम उनको प्रोजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास आदिवासी समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो हैं उनको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास जनरल क्लास के लोग प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक समीकरण को आपको साधना होगा, आप सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं सब कुछ, आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा। यही बात हमने अपने सुझाव में कहा था, तो सुझाव भी खटक गया लोगों को। हमने सुझाव में क्या कहा था कि संगठन को मजबूत करने के लिए सारे बिंदु थे उसमें, उन्होंने कहा कि हमारा ये स्टाइल है, आप हमारे स्पीच पर बात करते हैं,
भाई मैंने इस बात को इसलिए कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने आपको परेशान किया था, फिर आप इस तरह की बात कहेंगे, पुलिस को वीडियो बना लेगी, भारतीय न्याय संहिता अभी बन करके आई है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं कि ऐसे भड़काऊ स्पीच पर तुरंत पुलिस FIR कर सकती है आपको, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा आचार संहिता उस वक्त पुलिस परेशान करेगी, तो फिर हम लोग चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, फिर आप उस वक्त परेशान हो जाएंगे। तो उस समय कितना परेशानी हुआ उनका नॉमिनेशन को लेकर के, उनके पुलिस को परेशान करने को लेकर के। तो हम लोग इसी तरीके से अगर पुलिसिया जुल्म से परेशान होते रहेंगे तो झारखंड को सॉल्यूशन कब देंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने अपना कंसर्न दिया था, लेकिन उस पर भी लोगों ने उल्टा ही मेरे ऊपर ही सब कुछ साजिशें कर। संजय भैया एक चीज़ बात करना चाहेंगे, आप पर्सनली अपने पे लेके, जयराम पे लेके, अपनी पार्टी को लेकर ये बात कर रहे हैं और इस्तीफा आपने कहीं ना कहीं लिखा है, अभी मंजूरी नहीं हुई है, लेकिन एक चीज़ बताइए, 1.5 लाख अवर वोट मिला आपको लोकसभा चुनाव में, 1.5 लाख लोगों का आप विश्वास है, 1.5 लाख लोगों की उम्मीद है, उन लोगों को आप किस तरह से न्याय दीजिएगा? जिन एक एक मतदाताओं ने जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, जिन्होंने मुझे सहयोग किया है, जिन्होंने अपना एक एक तिनका भी मुझे सहयोग किया है, मैं उनका कर्जदार हूँ और उनका कर्ज मैं अदा करूँगा, उनका पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा, उनके लिए प्राणों की भी अगर बारी आएगी, शहादत देने की भी बारी आएगी, तो संजय मेहता उनके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन इस बात का आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि अपने तमाम वैसे सभी लोगों के साथ मैं खड़ा रहूँगा, जिन लोगों ने मुझे थोड़ा सा तिनका सा भी सहयोग किया है, उन सब के साथ में खड़ा रहूँगा, ये पूरा उत्तरदायित्व ले रहा हूँ। दुख इस बात का है कि हमारे साथी, हमारे प्रशंसक, हमारे सुचिंतक जब किसी पोस्टर में मेरी तस्वीर लगा रहे हैं तो उनको फ़ोन करके ये कहा जाता है कि इसकी तस्वीर मत लगाइए। कोई कार्यक्रम में जब मुझे कार्यकर्ता बुलाता है कि दादा आप आइए, आपके लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ आप क्यों नहीं आए, तो ऐसे कार्यक्रमों में मुझे बुलाया तक नहीं जाता, मैं पता करता हूँ तो पता चलता है कि आपको नहीं बुलाने के लिए बुला दें। इस तरह की परिस्थिति में कोई कैसे काम करेगा? बहुत सारे गिले शिकवे हैं, लेकिन खबरें जिस समय से आप इस्तीफा का लेटर निकाले हैं कहीं ना कहीं ये भी खबरें फैल रही है कि आप भाजपा में सम्मिलित होने वाले हैं, बड़े दलों में सम्मिलित होने वाले हैं, ये कहाँ तक सच है? कोई आपकी दर्द और वेदना और पीड़ा को नहीं समझता है, कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, लोग लांछन लगा देते हैं। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि कहीं चला जाऊँ, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जब आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, आपको बार बार अपमानित किया जाएगा, एक बार नहीं कई बार अपमानित किया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? एक बार हुआ रहता कोई बात नहीं, मैं लगता हूँ कि अगर मैं गिनती करना शुरू कर दूँ तो 50 से 60 बार इस तरह की चीज़ें होती, और मैंने कई बार उनसे कहा कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, आप इसको ठीक करिए, पर उन्होंने ठीक नहीं किया इसको। संजय जी एक बड़ा सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे, मैं करीबन भेंट करने 9 बजे आया हूँ आपके घर पर, मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर जयराम माथुर जी जो आपके साथ अभी तक इस दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अगर वो खुद से माफ़ी मांगते हैं आपके साथ ये दुर्व्यवहार करना बंद करते हैं, तो क्या जेल के में आप फिर से वापसी करेंगे अपने घर में? देखिए मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, फिलहाल मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ, मैंने अपने पत्र में भी लिखा है कि मुझे आत्मचिंतन की आवश्यकता महसूस हो रही है। मुझे दुख इस बात का है कि इतने बड़े झारखंडी जनमानस को गली मोहल्ले में जा कर के टी शर्ट पे ट्राउजर पे जैसे तैसे भूखे खाए पिए खून पसीना एक करके हम लोगों ने एकजुट किया, और आज अपना ही घर जो हम लोगों ने बनाया था मिलकर उसी घर से मुझे खुद से बाहर जाना पड़ रहा है। तो दुख तो होता है कि जिसको हमने सींचा, जिसको हमने पूरा एकजुट किया और मुझे ही जाना पड़ रहा है, तो एक बड़ा दुख तो होता है। चलिए संजय जी से बात कराया, और आपको सच बता दूं कि संजय जी के चेहरे, संजय जी की आंखें बता रही हैं कि वो अपने घर को छोड़कर बहुत ही दुख में है, भावुक हो गए हमसे बात करते करते। लेकिन आपको एक सच्चाई बता दूं संजय जी को लेकर, अगर कोई बयान देता है कि 700 वोट लाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि संजय मेहता वो शख्स है जो 1.5 लाख लोकसभा में वोट लाते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके नाम से संजय मेहता वोट लाए हैं, तो आप चतरा को झाके जहां दीपक को आप खड़ा किए थे, आप मनोज यादव को देखिए, वो वहां भी कैंडिडेट थे, वहां भी तो वोट आ सकता था, क्यों नहीं आया वोट, इसके बारे में भी सोचे। किसी को लालचन लगाने से कि आपकी वजह से वोट आ रहा है तो ये मत समझिए। संजय मेहता अपने अस्तित्व को बना चुके हैं, और आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो भी है लाइव देख रहा हूं, जहां से भी देख रहा हूं, आपको बता दूं कि संजय मेहता ने खुद एक अस्तित्व बना दिया है, और जिसके लोकसभा में उसके सबूत दिखे और 1.5 लाख वोट लाया। अब देखना यह होगा कि संजय मेहता घर वापसी करते हैं कि नहीं करते हैं, या दूसरे दल में जाते हैं, ये सोचने की बात होगी। और ये बड़ी खबर है जो झारखंड के राजनीति को पूरी तरह से उथल पुथल करके रख दिया। यहाँ दूसरे पार्टी के लोग खुश भी हैं कि जेल कैंप के एक बड़ा नेता जो पूरी तरह से नीब बना हुआ था, वो वहां से इस्तीफा ले रहा है। कैसा लगा न्यूज़, ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामले।